हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गल्फ़ आइडिया चैनल में। दोस्तों, कतर की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो कि ड्राइवर लाइसेंस के बारे में आ रही है। अगर किसी ने नया ड्राइवर लाइसेंस बनाया है या फिर कोई अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कतर का, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही आज महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। दोस्तों, कतर में सबसे ज़्यादा भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत ही डिमांड हो चुकी है। वहाँ पर जनवरी 2023 का आंकड़ा निकाला गया है जो कि 206% ने वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब दोस्तों 206% डायरेक्ट, मतलब हर साल से ज़्यादा इस साल लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है, जो कि ये जो कतर सरकार के प्लानिंग स्टैटिक अथॉरिटी के तरफ से ये आंकड़ा जारी किया गया है। जो सबसे ज़्यादा इस साल 2023 को नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लोग अप्लाई किए हैं। और दोस्तों, कतर की फिर इसी तरह जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है दोस्तों वहाँ के डेमोग्राफिक। मतलब दोस्तों वहाँ पे जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, 339 लोगों ने अभी तक अपने शादी के लिए सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं। और टोटल जो वहाँ पे डाइवोर्स हुई है कतर में, 128 लोगों ने अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं। और इसी तरह दोस्तों 78 मिलियन जो है वहाँ पे 2023 में, मतलब दोस्तों कतर की जो फिर मतलब देखा जाए कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है और सोशल सिक्योरिटी होती है वहाँ पे घट चुका है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों वहाँ पे बहुत ही अच्छा वाला इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है कतर में बैंकिंग सेक्टर में। ये दोस्तों इसी तरह फिर कतर की जो ट्रैफिक एक्सीडेंट देखा जाए, वहाँ पे हर साल के मुकाबले इस साल 20% से भी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो चुका है जनवरी 2023 के मुकाबले में। और वहाँ पे हर एनुअल में सालाना देखा जाए कि दोस्तों वहाँ पे 10% से लगभग कम वहाँ पे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो कम हो रही है। और मंथली महीना में देखा जाए तो 20% से भी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो रही है। और दोस्तों जो सबसे क्रिटिकल जो एक्सीडेंट हो रहा है सिर्फ 7% अभी तक हुआ है। और जो मौतें हुई अभी एक्सीडेंट से 15 लोगों की जान जा चुकी है। और टोटल जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है टोटल 2% अभी तक हुआ है 2023 में। 91% दोस्तों वहाँ पे एक्सीडेंट सीवियर केस में हुआ है, 7% जो हुआ है वो नॉर्मली हुआ है। फिर दोस्तों टूरिज्म के केस में देखा जाए तो वहाँ पे जो टूरिज्म लोग जो आते हैं, 340,000 लोग, मतलब 340,000 वहाँ पे लोग आए हैं कतर घूमने के लिए अभी तक इस साल। दोस्तों देखा जाए तो दिसंबर के मुकाबले में तो 44% वहाँ पे अभी कम है। दिसंबर में दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहे थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा था फीफा वर्ल्ड कप में जो वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए आते थे, लेकिन इस साल दोस्तों जनवरी 2023 के मुकाबले में 44% अभी तक कम है। फिर दोस्तों इसी तरह जो कतर की अगली अपडेट आ रही है, वहाँ पे एक अजगर ने बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो कि खालिद एरिया में अनाउंसमेंट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। अब बिल्कुल ये वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जो सबसे पहली जो प्रोजेक्ट है दोस्तों जो अजगर की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ, इसमें जो काम होगा कतर में 6 किलोमीटर जो पैदल लोग चलते हैं साइकिलिंग से चलते हैं उसके लिए 6 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा, 3 किलोमीटर लंबा रोड बनाया जाएगा, 238 पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, 998 पेड़ ट्रीज लगाई जाएगी और 2 सिग्नल वहाँ पे जोड़ा जाएगा। और 25,000 मीटर स्क्वायर दोस्तों वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन वर्क होगा, मतलब वहाँ पे एक तरह का देखा जाए कि पार्क, जैसे कि पार्क हो गया और टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए वहाँ पे 25,000 मीटर स्क्वायर एरिया में वहाँ पे पार्क वगैरह बनाया जाएगा। फिर दोस्तों आउटपुट वर्क के लिए हो गया, 1 किलोमीटर वाटर लाइन बिछेगी, मतलब जो पानी पाइप होता है उसके लिए 1 किलोमीटर पाइप बिछेगी कतर में। 3.5 किलोमीटर वहाँ पे जो भी बारिश का पानी जो होती है उसके लिए अलग से पाइप बिछेगी, जो कि रोड पे पानी जमा ना रहे बारिश का पानी, वो आसानी से पानी बह जाए। फिर दोस्तों 2.5 किलोमीटर वहाँ पर नेटवर्क के लिए लाइंस को बिछाया जाएगा, मतलब मोबाइल नेटवर्क के लिए और टेली कम्युनिकेशन के लिए। 5 किलोमीटर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी लाइन को जोड़ा जाएगा और 98 जो है स्ट्रीट पोल को जोड़ा जाएगा, मतलब जो लाइटिंग होती है रोड के किनारे। और इसी तरह दोस्तों
ये कतर की बहुत ही बड़ी अपडेट है। और इसी तरह कतर की जो सबसे बड़ी अभी अपडेट आ रही है वो वर्कर के लिए आ रही है। जो भी कतर में लेडीज़ जेंट्स, लेडीज़ भी वहाँ पे कतर में काम करते हैं और जेंट्स भी लोग काम करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे एक वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था, एक वहाँ पे कमेटी बनाया गया। कोई भी वर्कर, अगर फीमेल वर्कर वहाँ पे काम करती है, अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे कमेटी में जाके मिल सकते हैं। और अगर आप कमेटी से जुड़ना भी चाहते हैं, अगर कोई फीमेल वर्कर है, तो उस कतर में एक वहाँ पे कमेटी बना है जो कि आप फीमेल कमेटी में जाके आप जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई वहाँ पे दोस्तों जो फीमेल वर्कर होती है बहुत ही मतलब कुछ अच्छी फील नहीं करती है, इसके लिए कतर सरकार ने दोस्तों एक कमेटी बनाई है जो कि वहाँ के फीमेल वर्कर को कोई परेशानी ना हो, वो अपनी प्रॉब्लम को डायरेक्टली वो शेयर कर सके कमेटी में जाके, और कमेटी उसकी बात सुनेगी फिर उसकी प्रॉब्लम को हल करेगी। और इसी तरह दोस्तों ये रहा आज की बहुत ही बड़ी अपडेट। और इसी तरह आप मेरे चैनल से नई अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।